नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। महोबा सहित बुंदेलखंड को नेशनल हाईवे की 4500 करोड़ की 9 परियोजना का सौगात देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज महोबा के मोदी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और साथ ही महोबा में बता दें कि 1180 करोड़ रुपये की लागत से करवई से कैमान बता दें कि 46 किलोमीटर की फोरलेन हाईवे का भी शिलान्यास की सौगात भी देंगे। मध्य प्रदेश के सागर से कानपुर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ने से महोबा हमीरपुर सहित आसपास के इलाकों की तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध होगी। व्यवस्थाओं का अंतिम रूप देकर बता दें कि NHI सहित जिला प्रशासन और BJP पदाधिकारी कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और साथ ही 2024 के चुनाव की तैयारियों में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि प्रदेश में सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड पर BJP की खास नजर है। कल जो है वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी परिवहन श्री नितिन गडकरी जी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका यहाँ पर उद्घाटन NH के संबंध में उद्घाटन और शिलान्यास का प्रोग्राम है। इस भव्य आयोजन में जो है वो 9 कार्य हैं जिसका 3500 करोड़ रुपए की राशि इसमें लागत आई है। देखिए, आप सबको विदित है कि माननीय CM महोदय का विजिट जो है वो महोबा में होने जा रहा है, साथ में हमारे नितिन गडकरी सर जो है वो भी आ रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था इसमें की हुई है। कासगंज में विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री साध्वी प्राची और साथ ही ठाकुर देवकी नंदन महाराज भगवान वराह की पावन धारा बता दें कि कासगंज में पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने मातृशक्ति सम्मेलन में शिरकत की है। यहां उन्होंने योगी के 2024 तक के हिंदू राष्ट्र घोषित करने और साथ ही सनातन धर्म के बेटे बेटियों को सनातनी के साथ शादी करने को कहा है और साथ ही साध्वी प्राची ने सम्मेलन में संबोधित करते हुए सभी हिंदुओं की लड़कियों को श्रद्धा मत बनो और जिस लड़की ने अपने पिता की पगड़ी को सिर से उतार दिया ऐसी ही लड़कियों को श्रद्धा जैसी होती है जो लव जिहादियों के चक्कर में फंस जाती है और उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। लगातार ये कहती भी वे नजर आई हैं और साथ ही बता दें कि इस दौरान साध्वी प्राची और साथ ही ठाकुर देवकी नंदन महाराज का जोरदार स्वागत किया गया। मातृशक्ति को देखकर वे गदगद नजर आए। महिलाओं ने साध्वी का जोरदार स्वागत किया, उन्हें गंगा जल भेंट भी की गई। कार्यक्रम में शुभारंभ सरस्वती माँ की तस्वीर पर प्रज्वलित कर और दुर्गा चालीसा के साथ हुआ है। बहुत बार मुझे आने का मौका मिला लेकिन अब की बार जो मैंने उपस्थिति देखी, संयम देखा महिलाओं का, बहुत गजब का संयम है और सब चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है कि जल्दी से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। हाँ, इसमें कोई कोरा नहीं है। देश में एक तरफ H3N2 बता दें कि इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोविड के मामलों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को 113 दिन के बाद एक दिन में कोविड-19 के 524 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 18 नवंबर को बता दें कि 500 नए केस सामने आए थे। इसके साथ ही देश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,618 हो गई है। केरल में संक्रमण में एक मरीज की मौत के बाद से कोविड से हटाने वाले मौतों का कुल आंकड़ा जो है वो बढ़कर 5,30,000 हो गया है और साथ ही बता दें कि 751 हो गए हैं और इस दौरान बीते 7 दिनों में संक्रमण का आंकड़ा दोगुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 7 दिनों में 2,671 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही पिछले 7 दिनों में 1,802 कोविड मामले की तुलना में करीब 50% की वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले 7 दिनों में राज्यों में जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से सबसे अधिक कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल है। भारत में दैनिक मामलों का साप्ताहिक औसत पिछले 11 दिनों में दोगुना हो गया है। 28 फरवरी को ये औसत बता दें आपको कि 153 था जो कि 11 मार्च को 382 हो गया है।
वही कासगंज जनपद की तीर्थ नगरी सोरो में बता दें कि रंग पंचमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें गंगा भक्त समिति तत्वाधान में भगवान वराह की शोभा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान भक्तों ने गंगा वराह भगवान के साथ जमकर होली खेली। शोभा यात्रा का शुभारंभ समाज सेवी पप्पू यादव ने गंगा मैया और भगवान वराह की आरती उतार कर की है। शोभा यात्रा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने भी अपने सहयोगियों के साथ भाग लिया है। और साथ ही इस यात्रा का शुभारंभ करते हुए बता दें कि सतरंगी गुलाल की वर्षा करते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में बता दें कि मोहल्ला 64 रामलाल चौराहा और साथ ही रामसिपुर कटरा तमाम जगहों पर यहां पर जमकर होली खेलते हुए और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए नजर आए। वही बलरामपुर में जिले में सड़कों का कायाकल्प बदलती हुई तस्वीर सामने आई है। दरअसल सदर विधायक बता दें कि पलटूराम के प्रयासों के बाद से अब जाम से निजात मिलेगी लोगों को। और साथ ही गोरखपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब 516 करोड़ रुपए के बनाने वाले बाईपास की आधारशिला रखेंगे। वही बलरामपुर जिला मुख्यालय से गोंडा उतरौला और साथ ही बौद्ध परिपद को जोड़ने के लिए ये 21 किलोमीटर के 2-लेन हाईवे बनाए जाएंगे। NH 730 हमारे ग्राम सभा से ही होकर निकलती है। NH 730 की स्थिति 2014 से पहले ये थी कि वहाँ से बलरामपुर आने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते थे और बहुत जर्जर थी सड़कों की हालत। लोग वहाँ से आना नहीं पसंद करते थे मुख्यालय तक आने में भी लगभग आधे घंटे का समय लग जाता था। आज स्थिति ये है कि मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर आप मुख्यालय पहुँच सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के दौरान। ही असुविधा थी जब से हमारी सरकार ये BJP बनी हुई है, जब से अच्छा सड़क बना हुआ है, जो स्कूल के बच्चे आते जाते हैं उनको बहुत टाइम लगता था, अब डायरेक्ट जो है यहाँ से चाहे एम्बुलेंस हो या 112 नंबर हो तत्काल पहुँच जाती है। हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बलरामपुर में अभी तक इतना काम कराया है जो आज़ादी का पूरा समय जोड़ लीजिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यकाल मात्र 6 महीना जोड़ लीजिए। वही बलरामपुर में नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यहां पर 2 वर्ष से फरार चल रहे फर्जी शिक्षक को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी शिक्षक को पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल फर्जी अभिलेखों के सहारे अभियुक्तों ने नौकरी हासिल की है। जिले में जांच के दौरान 120 फर्जी बेसिक शिक्षक मिले हैं। वही बलरामपुर में 1 किलो 550 ग्राम गांजे के साथ 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कोतवाली देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना दी थी और पकड़े गए गांजा तस्करों के नाम संतोष पांडे और राम सुरेश है। दोनों ने अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर NTPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ के शाहनवाज नाम के एक युवक ने द्वारा साइकिल से वर्ल्ड टूर के द्वारा जगह जगह हिंदू मुस्लिम के दीवार को गिराने के लिए एक बड़ी यात्रा का आयोजन रखा गया है, जिसमें युवक ने बता दें कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देते हुए वे देश के साथ साथ अन्य देशों में भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड टूर का सहारा लेते हुए और भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए नजर आए, जिसमें देश के विदेशों में भी हर रोज हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रही घटनाओं पर लगाम लग सके। इसको लेकर अलीगढ़ के शाहनवाज के द्वारा साइकिल यात्रा के द्वारा लोगों को एक करने के संदेश से आज देते हुए वे नजर आए हैं। और दरअसल ये पूरा मामला जिला अलीगढ़ के शहर के स्थित जमालपुर का है, जहां पर रहने वाले शाहनवाज नाम के युवक के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश और देश विदेश तक देने के लिए साइकिल यात्रा के द्वारा एक बड़ी मिसाल कायम की गई है, जिससे हर रोज हो रही हिंदू मुस्लिम के बीच की उत्पादों पर लगाम लगाई जा सके। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले भी ऑलरेडी ये किया है, मैंने मेरे लास्ट टूर पे मैंने बहुत अच्छा सेल किया था और लॉकडाउन की वजह से मेरा जो चैनल है वो मतलब मेरा चैनल और मेरा जो ट्रिप था वो दोनों ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन मैंने कुछ टाइम के लिए अपने आप को होल्ड किया और फिर से तैयारियाँ करी और फिर एक बार मैं अपने ख्वाबों की तरफ चल पड़ा हूँ। जी मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन है और मेरे दोस्त हैं शाहनवाज, ये आज वर्ल्ड टूर पर निकले हैं तो मुझे बहुत खुशी है। इनका जो सोच है वो एक बहुत अच्छी सोच के साथ जा रहे हैं कि लाइक हिंदू और मुसलमान एक करना, हमारे हिंदुस्तान को एक करना।
वहीं उन्नाव में किसान की हत्याकांड मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बता दें कि एसपी ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है और साथ ही एसपी ने एसएचओ समेत 7 को सस्पेंड करते हुए नजर आया। और बता दें कि इस हत्याकांड के बाद से लगातार जो एसपी है वे लगातार इस मामले को लेकर काफी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही थी और इस दौरान इस हत्याकांड मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई और एसपी ने लापरवाह पुलिसकर्मियों के बता दें कि साथ ही 7 को सस्पेंड किया है। अब खबर गाजीपुर से आपको बता दें जहां पर पुलिस प्रशासन ने माफिया मुखबिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के बेनामी संपत्ति के रूप में 18 दुकानें कुर्क किया है। साथ ही बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर बता दें कि मुमताबाद बाजार स्थित दुकानों में कुर्क किया है और ये दुकान मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के नाम पर दर्ज है। पुलिस प्रशासन ने डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर के नाम पर बता दें कि 26 लाख रुपए कीमत की 18 दुकानें सीज की गई है। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी के नाम पर दर्ज हुई 18 दुकान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में बनी गई थी जिसे पुलिस प्रशासन ने मुनादी कराते हुए कुर्क कर लिया है। योगी सरकार में एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन गाजीपुर के लगातार मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और गाजीपुर का ये पूरा मामला जहां पर मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का ये एक्शन देखने को मिल रहा है, उनके चचेरे भाई मंसूर अंसारी के दुकानें जो है वो कुर्क करती हुई प्रशासन नजर आ रही है और लगातार बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही बता दें कि इस दौरान 18 दुकानें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाई गई थी जिसको लगातार प्रशासन अब कुर्क करती हुई नजर आई और साथ ही बता दें कि 26 लाख रुपये की कीमत की 18 दुकानों को सीज किया गया है। फरुखाबाद में पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल बता दें कि मंगौर कराने जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है जिसमें से 2 की मौत से 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं आधा दर्जन सवारियों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश सरकार के आदेशों की पुलिस की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ है। वहीं गाजीपुर में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना ताड़ीघाट गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन और साथ ही ताड़ीघाट के घाट स्टेशन तक बनने वाले रेड कम रोड ब्रिज और साथ का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर में 14 नवंबर बता दें कि 2016 को किया था। कहा जाता है कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का शुमार है जिसका एक फेज का कार्य पूर्ण हो चुका है और जिस पर आज डीजल बता दें कि लोकोमोटिव दौड़ाकर साथ ही परीक्षण किया जा रहा है और इस दौरान प्रथम फेज का ट्रायल 45 किलोमीटर रफ्तार से डीजल लोकोमोटिव दौड़ाकर किया गया है और साथ ही इस बात की जानकारी RBNL के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास चंद्र ने दी है। इस दौरान गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से डीजल लोकोमोटिव का शुभारंभ देखकर देश शाम बता दें कि यहां पर शुभारंभ कर देर शाम पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर नए ट्रैक पर डीजल इंजन को दौड़ाया गया है। इसमें जो उसकी जो 2 भाग में परियोजना है, मऊ से गाजीपुर और गाजीपुर से ताड़ीघाट और ताड़ीघाट से गाजीपुर घाट, तो ये जो दूसरा इसका पहला चरण है गाजीपुर सिटी से लेकर के ताड़ीघाट ये पूर्ण होने जा रहा है और गाजीपुर सिटी से लेकर के ताड़ीघाट और ताड़ीघाट से लेकर गाजीपुर घाट इसको मिला के इस परियोजना की लागत करीब 1400 करोड़ रुपए है। सर आने वाले दिनों में कहा जा रहा था कि 28 मार्च को इसका ट्रायल किया जाएगा, लेकिन आज ये किस तरह का ट्रायल है? नहीं, ये ट्रायल तो उस दिन तो CRS का कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन होगा। अब खबर जालौन से है जहां पर बता दें कि बाइक के आमने सामने जबरन टक्कर हो गई है और इस दौरान इस हादसे में 2 लोग की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में मरने वाले में से 2 बाइक चालक बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं जिसके बाद से दोनों की हालत काफी गंभीर होते हुए दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है और इसके साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली कोच के अंतर्गत आज शाम समय 6:30 बजे ग्राम बरोदा खुर्द के पास 2 मोटरसाइकिलों का आपस में एक्सीडेंट हो जाने के कारण दोनों मोटरसाइकिलों पर बैठे 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है
दो घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु मेडिकल झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।